अम्बाला के बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट का 15 अक्टूबर को शिलान्यास हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस दौरान कई अन्य बड़े नेता और सेंटर के मिनिस्टर्स को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए अम्बाला में आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत गाकर की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा एक परिवार है और हमारा चूल्हा भी साझा है। योजना हमारे शहर में मंजूर हुई है कि हमारा शामली से हवाई अड्डा को मंजूर किया गया है, जिसका पंद्रह तारीख को शाम के 3 बजे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन की है। बहुत बड़ा इवेंट है और इससे हमारे शहर का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज से आज उनके आवास पर अम्बाला में रिंग रोड के आसपास हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार की फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव विनाटा एयर मोबिलिटी के फाउंडर व सीईओ योगेश रामानाथन ने रखा, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज एक कंपनी के सीईओ ने उनसे मुलाकात की और बताया कि हमने उड़ने वाली कार का प्रोजेक्ट बना लिया है और अप्रूव भी हो गया है, जिसे लेकर विज ने सुझाव दिया कि इस फैक्ट्री को अम्बाला में स्थापित करें, यहाँ जमीन भी सस्ती मिलेगी। आज एक कंपनी के सीईओ मेरे पास आए थे और वो कह रहे थे हमने उड़ने वाली कार का प्रोटोटाइप बना लिया, हमारा अप्रूव भी हो गया और वो इंडस्ट्री हमने मद्रास में लगाई हुई है, हम एक गुड़गांव के पास लगाना चाहते हैं। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप गुड़गांव की बजाय अम्बाला में लगाओ, अम्बाला में जमीन भी सस्ती मिलेगी और आपको एयर कनेक्टिविटी भी है, आप आते जाते। तो उन्होंने उसके लिए बहुत कहा कि हाँ जरूर हम इस पर विचार करेंगे। इतिहास में पहली बार एशियन गेम्स में भारत ने मेडल जीतने की सेंचुरी पार कर दी है, जिसे लेकर विज ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा का असर है। वह खिलाड़ियों को जितना सम्मान देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान मेडल्स के लाइन में और आगे जा रहा है और इस बार हरियाणा ने भी कमाल कर दिया। वैसे भी हरियाणा को खेलों की धरती कहा जाता है। देखिए, ये मोदी जी की प्रेरणा का असर है। मोदी जी खिलाड़ियों को जितना सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो हिंदुस्तान अब मेडल्स की टैली में बहुत आगे जा रहा है और हरियाणा ने भी कमाल करके दिखाया, क्योंकि हरियाणा तो खेलों की धरती है। शिवसेना की नेता प्रियंका के भाजपा का सबसे बड़ा गठबंधन ईडी और सीबीआई है वाले बयान का पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन सभी नेताओं को रात को सोते समय भी ईडी और सीबीआई आता है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है। बात ये है, इन सारे नेताओं को तो रात को सोते सोते भी ईडी और सीबीआई आता है। भाई, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको डरने की क्या जरूरत है। कुछ ना कुछ कर रखा है, इसीलिए हर वक्त पुलिस नजर आती है। इसराइल में हुए हमले के बाद वहां बसे भारतीय छात्र यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें वहां से निकाला जाए, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने पहले भी छात्रों का ध्यान रखा है, पहले हुए रूस के युद्ध में वहां बसे छात्रों को भी सफलतापूर्वक निकाला है और इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। नहीं, पूरी तरह से देखिए, पहले भी ऐसी आए हैं, अफगानिस्तान से भी हमने निकाले हैं और हमने रशिया का जो युद्ध हुआ था उसमें भी हमने निकाले हैं, तो यहाँ पर भी हम पूरी तरह से इस बारे में सजग। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।